भाई पीछे आओ जी, पीछे 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 काम करो, मैं खुद ही लग गया अब के ना। लंच लंच ही जो जी, लंच ही मैंने कहा लंच लंच ही लंच ही देखियो देखी मैं। आ जाओ सर, आ जाओ आ जाओ सर, ठीक है जी का विकास हुआ। किस तरह का हमने गुरु तेग बहादुर जी का लाल किले की प्राचीर पे जो डिस्प्ले किया, उनका इतिहास, उनकी शूरता, उनकी वीरता, वो देखने लायक थी। कितने लोग आए थे, ये सब चीजें जो हमने की है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे ये 9 साल बेमिसाल। आज राज्यपाल साहब का कल रात एक सर बयान आया है कटारू में मंत्री को देखकर, उसको कैसे देखते हैं? कौन से देखिए, अनुराग ठाकुर जी का स्टेटमेंट आपका कल क्लियर दिया ना कि भाई सरकार इसको डील कर रही है, और मामला विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। वही बात कर रहा हूँ मैं, अनुराग ठाकुर जी का कल ही स्टेटमेंट दिया है, प्रेस के सामने दिया है कि दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। आपके मंत्रिमंडल से भागते हुए नजर आए कल कौन रोड पे, मीनाक्षी लेखी जी? नहीं नहीं, उन्होंने भी अपना जवाब दिया कि विचाराधीन है मामला। सर आप राजस्थान से हो, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ कोयला पाया श्रीलंका क्यों आ रहा है? कोयला कोयला पाया श्रीलंका क्यों आ रहा है, जबकि डायरेक्टली भी तो आ सकता है? नहीं नहीं, देखिए तो राजस्थान में सरकार है वो मैनेजमेंट जानती नहीं है जी, वो तो दो खेमों में बटी हुई है, एक का नेतृत्व सचिन पायलट साहब कर रहे हैं और एक का अशोक गहलोत कर रहे हैं, इसलिए तो वहाँ गवर्नेंस तो है ही नहीं। उन्होंने कोई समय पे डिमांड नहीं देते, कोई ड्यूज है वो भरते नहीं है, तो भिखा करो अल्टरनेट, क्योंकि लोगों को बिजली तो चाहिए। मिसमैनेजमेंट है टोटली राजस्थान में। अरविंद केजरीवाल का जो शीश महल हुआ, अरविंद केजरीवाल जो शीश महल बनाया हुआ, वो शीश महल की भी निगरानी चल रही थी, फाइव बड़ी गैप हो चुकी है, किस तरह देख रहे हो? देखिए, जब अरविंद केजरीवाल आंदोलन कर रहे थे अन्ना हजारे जी के साथ, तब उन्होंने कहा था अगर मुझे मौका मिला तो मैं कोई सरकारी गाड़ी का यूज नहीं करूंगा। सरकारी गाड़ी का भी यूज कर रहे हैं, झूठ बोले। उन्होंने कहा मैं सरकारी मकान में नहीं रहूंगा, सरकारी मकान में भी रहे, और मकान में रहे जो अलग है, कितना पैसा खर्च करके कितना बड़ा मकान बना दिया, ये सब जो है उनका माया जाल है, भ्रम जाल है, वो झूठ बोल करके सत्ता में आगे, जनता आप सब जानती है। फाइल का गैप होना, फाइल गैप कर दी गई। देखिए, इसलिए तो वो ये इसी काम में लगे हुए हैं ना। तो लेकिन अभी आपने देख ही रहे होंगे ना, उनके कई मंत्री जेल में हैं, धीरे धीरे सब मामले आ रहे हैं। हमारे एमपी साहब कहां हैं? आप देखिए, आपने पिछली बार भी पूछा था, मैं आ रहा हूँ ना उनके लिए काम करने के लिए। शंबर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी के दौरा दिया हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 साल बेमिसाल, किस तरह का काम हुआ है जो लोगों की जीवन में सुधार किया, गरीबों का कल्याण किया, गुड गवर्नेंस दी, जो भारत सरकार का पैसा कई योजनाओं में फालतू जाता था, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन करके डीबीटी दिया, सीधा खाते में जाने लग गया, करप्शन कम हुआ, ये 9 साल के जो अचीवमेंट हैं उस पर हमारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और इस अचीवमेंट के सार के रूप में मैं कहूँ तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोई ऐसा सेक्टर नहीं छोड़ा है जिसमें उन्होंने काम नहीं किया। आप देखिए, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में 2G तक अटक गए थे मनमोहन सिंह जी की सरकार, और हम आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 5G में आ गए हैं। आप यू सी द स्पीड और स्केल दोनों हर सेक्टर में बढ़ाई है, चाहे हाईवे हो, चाहे रेलवे के प्रोजेक्ट हो, चाहे सांस्कृतिक उत्थान का विषय हो, चाहे हमारे ऐसे इंटरनेशनल डिस्प्यूट से जुड़े हुए मुद्दे हैं जैसे करतारपुर साहिब का कॉरिडोर का मुद्दा है, ये इस तरह के मुद्दे भी हल किए हैं। श्री राम, फाइव पी आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आया है, पहले
पहले जो है ना वो कहीं और से आने की थी और हम आत्मनिर्भर भारत अभियान ऑन। यस यस भाई भैया, हम आपको दिखा देते हैं अभी, हम हमारे यहाँ भी आपको भी हम दिखा देंगे। तो ये जो तेजी से काम हुआ है टेक्नोलॉजिकल, आप देखिए कैसे हाईवे बने हैं, चार ये जो हमारा जो चार धाम की यात्रा कितनी सुगम हो गई है, NH भी जस्ट डबल बन गए, रेलवे के जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है वो करीब करीब पूरे देश में पूरा हो गया, कोई ऐसा सेक्टर नहीं बताता नहीं हुआ है, वंदे भारत ट्रेन चल गई, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जी। नारी उत्थान से लेकर के युवा कल्याण से लेकर के गरीब कल्याण से लेकर के किसान कल्याण से लेकर के भाई आप किसी सेक्टर की बात करो, मैं संस्कृति मंत्रालय में भी काम देख रहा हूँ, किस तरह का देखिए केदारनाथ जी का विकास हुआ, किस तरह का हमने गुरु तेग बहादुर जी का लाल किले की प्राचीर पे जो डिस्प्ले किया उनका इतिहास, उनकी शूरता, उनकी वीरता, वो देखने लायक थी, कितने लोग आए थे, ये सब चीजें जो हमने की है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे ये 9 साल बेमिसाल। आज राज्यपाल साहब का कल रात एक सर बयान आया है कटारू में मंत्री को देखकर, उसको कैसे देखते हैं? कौन से नेशनल लेवल अधिकारी?